तो गाइस यार आज हम लोग आए हैं क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, नर्सरी बोलते शायद। देखो यहाँ पे हम लोग पौधा लेने आए थे, ठीक है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। यहाँ पे तरह तरह के फूल मिलेंगे और एक से एक मतलब क्वालिटी के यहाँ पेड़ मिलेंगे। देखो दिखाता हूँ आप, ये देखो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे यार। देख रहे हैं इनका रेट भी पड़ा हुआ है इस पर और ये नीचे भी है। तो मैं यहाँ पे आया आम का पेड़ लेने, दो आम का पेड़ लेंगे और लीची का दो घर पे लगाने के लिए। तो एक छोटा सा ब्लॉग मैंने सोचा बना लूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। एक से एक पेड़ है यहाँ पे, ये सब पौधा है, पेड़ नहीं है, फूल के पौधे हैं सारे। तो इनका जो मेन बाग है वहाँ पे हम लोगों को जाने के लिए बोला फार्म में, तो वहाँ पे चलते हैं फिर आप लोगों को दिखा दो थोड़ा सा ब्लॉग। तो यार गाइस देख रहे हो आप लोग कितना मस्त मतलब नज़ारा है और कितनी शांत है यहाँ पे। हम लोग ना देखो साइकिल पे तो यहाँ पे आए थे हम लोग, और इधर देखो बाग, देखो आम के बाग हैं सारे। तो हमारे यहाँ पे ना आम बहुत ज़्यादा होता है, आम और लीची। अभी सीज़न है आम का और घर पे हूँ मैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना दो चार पेड़ ला के लगाया जाए घर पे। तो इसीलिए मैं आया था, जो इनका दुकान है ना वहाँ पे गया था मैं, लेकिन वहाँ पे मिला नहीं। लीची का पेड़ और आम का था लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया, जो लेना था वो मिला नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ इनका जो फार्म है वहाँ पे जाके देख के पसंद करके लूँगा और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और मौसम देख रहे हो एकदम आय हाय, गाँव में बस यही एक मस्ती आती है, शहरों में ये सब मिलता नहीं है और इतना अच्छा इलाका भी नहीं होता है शहरों में, पोल्यूशन होता है, शोर शराब है, यहाँ कितना शांत है। तो यार गाइस आ चुके हम लोग, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर आ चुके हैं और अभी पसंद करूँगा, आप लोगों को दिखाता हूँ पीछे बैक कमरा करके, ठीक है। कितने सारे पेड़ है देखो यहाँ से लेके, ये देखो दिख रहा है कितना बड़ा फार्म है, यहाँ तक ये सारे आम के पेड़ हैं। और देखो ये आम फाइनली मेरे को मिल चुका है, जो पेड़ मैं ढूंढ रहा था। देखो ये वाला आम ढूंढ रहा था मैं, और इसका पेड़ यहाँ से शुरू हो रहा है और नीचे से आप लोग एक बार झाँक के देखो तो हर पेड़ में आम है। अब पता नहीं इनका रेट कितना, उधर मैं देख के आया था 500 रुपया बोल रहे थे लोग, अब पता नहीं इसका कितना होगा। ये देखो ये वाला पेड़ ढूंढ रहा था मैं, ये वाला आम का, ये वाला। तो जल्दी से एक ले लेता हूँ और मुझे दो पेड़ लेने हैं टोटल। और ये देखो ये कटहल का है, कटहल बोलते हैं हिंदी में शायद, काफ़ी बड़ा है वैसे। और इन लोगों ने ज़्यादातर आम का ही खेती कर रखा है, देख रहे हो आप लोग। ये देखो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, पसंद कर लेता हूँ पहले उसके बाद। क्या नज़ारा है भाई साहब। तो फाइनली गाइस हो चुका है हम लोगों का, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये पेड़ तो लिया हूँ साथ में आम भी ले लिया हूँ। और देखो ये बांध रखा है मैंने पीछे साइकिल में, और वो देखो एक लेके आ रहा है साइकिल लेके, अब कभी नहीं आऊँगा मैं आम पेड़ लेने यार। तो चलो अभी जा रहे घर पर, बाद में आप लोगों को लगाने के बाद दिखाता हूँ। तो यार गाइस वीडियो मैं ख़त्म करने वाला हूँ, उससे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो पेड़ मैं लाया था उसको लगा चुका हूँ। मेरे घर के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा खुला जगह है वहाँ पर, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था पेड़ ला के, यार खा पी के थोड़ा आराम कर रहा था, तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो आप लोग पेड़ यहाँ पर एक लगाया हूँ और थोड़ा सा नीचे ये जो नेट लगा रखा है ताकि कोई बकरी वगैरह चढ़ के ना खा ले इसके पत्ते। और थोड़ा सा ये मुरझाया हुआ सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, अभी एक दो दिन में पता चल जाएगा। और एक यहाँ लगाया हूँ और एक पेड़ है यहाँ पर, ये रहा देखो वो आम लटक रहा है, उसको दिख भी रहा है। तो एक पेड़ यहाँ पे है, नीचे लेट लगा दिया हूँ ताकि कोई बकरी वगैरह चढ़ ना पाए, और गांव देहात में ये सब बहुत होता है ना। तो ये देखो एक पेड़ ये है और दूसरा पेड़ आपको यहाँ दिखेगा, दो पेड़ लगाए हमने और एक पेड़ मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ये गड्ढा दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर लीची का पेड़ लगाऊंगा और एक गड्ढा वहाँ पर भी है, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं पता, तो यहाँ पर भी एक लगाने वाला हूँ। चलो यार आप लोगों को मैंने दिखा तो दिया पेड़ कहाँ पर लगाया था, और काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अभी। और अभी असर का टाइम है तो जा रहा हूँ मैं नमाज़ पढ़ने, और आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए
टेक केयर, सलाम अलैकुम, बाय बाय।